दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने दुर्ग शहर के विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने दुर्ग शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर मौका मुआयना किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने जिला पंचायत दुर्ग में बने सी मार्ट से की और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उसके पश्चात वे शिवनाथ नदी महमरा एनीकेट पहुंचे, जहां उन्होंने बार बार जल प्रदाय की समस्या को देखते हुए फिल्टर प्लांट संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे शहर में हो रहे अतिक्रमण को भी देखने पहुंचे और वहां तत्काल कार्रवाई करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। वहीं साथ ही उन्होंने जिला चिकित्सालय परिसर के पास बने वेंडिंग जोन का भी निरीक्षण किया और उसको जल्द से जल्द शुरू करने की बात कही। बता दें, दुर्ग जिले में लंबे समय से विभिन्न स्थलों पर कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके मद्देनजर दुर्ग जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि शहर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। दुर्ग शहर में सीमार्ट जैविक का निर्माण किया जा रहा है। सीमार्ट जैविक में जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि लगभग हमारी 250 के आसपास जिले में बाड़ियां हैं, जिनमें हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। तो जितनी भी तरह की जो ऑर्गेनिक अनाज है, सब्जियां हैं, उन सभी का डिस्प्ले यहाँ पर रहेगा, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। और साथ साथ में सीमार्ट के जो बाकी जो प्रोडक्ट हैं, जो जिलों के जो ऐसे चीज बना रहे हैं, कई कॉपरेटिव बना रहे हैं, वो सारे उत्पाद भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। प्राइमरी फोकस ऑर्गेनिक सब्जी और ऑर्गेनिक अनाजों के ऊपर है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।